हिरण्यकश्यप के वंश में दैत्य निकुंभ के पुत्र सुंद और उपसुंद ये दोनों अत्यंत ही पराक्रमी और उदंड थे। वे अपने समय में दैत्यों के दोनों मुखिया थे। वे दोनों सगे भाई थे और उन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि उनके शरीर अलग थे, लेकिन उनके शरीर अलग होने के साथ साथ भी उनके प्राण एक थे। दोनों की रुचि भी समान थी और उनका आचरण भी एक समान था और एक समान ही वे सोचते और समझते भी थे। वे दोनों भाई हमेशा एक साथ रहते, एक साथ ही खाते पीते, उठते बैठते और एक के बिना दूसरा न कहीं आता और न कहीं जाता। वे परस्पर मधुर वाणी बोलते थे और सदा दूसरे भाई को सुख पहुंचाने एवं संतुष्ट करने का पूरा प्रयास रखते थे। दोस्तों, सुंद उपसुंद दोनों भाइयों ने अमर होने की इच्छा के लिए एक साथ घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर जाकर केवल वायु पीकर तपस्या को प्रारंभ किया। तपस्या करते करते उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर जम गया और अंत में वे दोनों अपने तप के कारण उन्होंने इतना समय व्यतीत कर दिया कि जब उनका शरीर बिल्कुल सूख गया तो उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर अंगूठे के बल पर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी को वहां आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन दोनों भाइयों ने अमरत्व का वरदान मांगा और कहा, हम दोनों मायावी भाई सभी अस्त्रों के ज्ञाता और अमर हो जाएं। पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर बनाना स्वीकार नहीं किया। अंत में सोच कर दोनों ने कहा, यदि आप हमें अमरत्व तो नहीं दे सकते तो आप हमें यही वरदान दे दें कि हम दोनों किसी दूसरे से न तो पराजित हों और न ही मारे जाएं। हमारी मृत्यु कभी हो तो परस्पर एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने इस पर तथास्तु कह दिया और ब्रह्मा जी चले गए। दोस्तों, दैत्यों को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए और वे दोनों दैत्यपुरी में आ गए। दोनों ने त्रिलोकी के विजय का निश्चय किया और वही प्रयास वे दोनों करने लगे और हर जगह जहां वह जाते उनकी विजय हो जाती, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान उनके साथ था। उसे जानकर भी देवता भला उनसे युद्ध करने का साहस कैसे करते। वे तो दैत्यों के आक्रमण का समाचार पाते ही स्वर्ग छोड़कर जहां तहां भाग गए। यक्ष, राक्षस, नाग आदि सबको उन दैत्यों ने जीत लिया। त्रिलोक विजयी होकर उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दे दी, कोई यज्ञ, पूजन, वेदाध्यन न करने पाए। जहां ये काम हो उस नगर को भस्म कर दो। ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट कर दो। स्वभाव से क्रूर दैत्य ऐसी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों का वध करते घूमने लगे। ऋषियों के आश्रम उन्होंने जला दिए। किसी ऋषि ने साप भी दिया तो ब्रह्मा जी के वरदान से वह व्यर्थ चला गया। फल यह हुआ कि पृथ्वी पर जितने तपस्वी, वेद पाठी और ब्राह्मण थे, धर्मात्मा लोग थे, ऋषि थे, वे सब भय के मारे पर्वतों की गुफाओं में जाकर के छिप गए। समाज में न कहीं यज्ञ पूजन होता था न ही वेद पाठ। परंतु दैत्यों को इतने में ही संतोष नहीं हुआ। वे दोनों इच्छा अनुसार रूप रखने वाले क्रूर सिंह, व्याघ और सर्प आदि का रूप धारण करके गुफाओं में छिपे हुए ऋषियों का भी विनाश करने लगे। इस अत्याचार की शांति का दूसरा कोई उपाय न देखकर ऋषिगण ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनकी विनती करने लगे। उसी समय देवता भी लोक पितामह के समीप अपनी विपत्ति सुनाने पहुंच गए। देवताओं तथा ऋषियों की विपत्ति सुनकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने दो क्षण विचार करके विश्वकर्मा जी को बुलाया और एक अत्यंत सुंदर नारी का निर्माण करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने विश्व की समस्त सुंदर वस्तुओं का सार भाग लेकर एक स्त्री का निर्माण किया। उस नारी के शरीर का एक तिल रखने जितना भाग भी ऐसा नहीं था जो अत्यंत आकर्षक न हो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस नारी का नाम तिलोत्तमा रखा। वह इतनी सुंदर थी कि सभी देवता और लोकपाल उसे देखते ही मोहित हो गए। तिलोत्तमा ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सुंद उपसुंद के समीप जाओ और उनमें शत्रुता पैदा कर दो। ऐसा प्रयास करो कि वे दोनों भाई तुम पर मोहित हो जाएं और दोनों तुम्हें पाने के लिए प्रयास करने लगे। तिलोत्तमा ने आज्ञा स्वीकार कर ली। पितामह को प्रणाम करके, देवताओं की प्रदक्षिणा करके उसने प्रस्थान किया। सुंद उपसुंद अपने अनुचरों के साथ उस समय विंध्याचल के उपवनों में विहार कर रहे थे। वहां भोग की सभी सामग्रियां थी। दोनों भाई मदिरा पीकर उत्तम आसन पर बैठे थे। स्त्रियां नृत्य कर रही थी, गायक नाना प्रकार के बाजे बजाकर गाना गा रहे थे।
बहुत से लोग उन दोनों भाइयों की स्तुति भी कर रहे थे। तिलोत्तमा नदी के किनारे कनेर के फूल चुनती हुई वहां पहुंची। उसे देखते ही दोनों भाई उस पर मोहित हो गए। कामासक्त सुंद और उपसुंद एक साथ उठकर तिलोत्तमा के पास दौड़ गए। सुंद ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ। दोनों उससे अनुनय विनय करने लगे कि वह उनकी पत्नी बन जाए। तिलोत्तमा ने दोनों ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर मुस्कुरा कर कहा, आप लोग पहले यह निर्णय कर लें कि मैं किसका वरण करूं और किसकी पत्नी बनूं। एक नारी की आसक्ति के कारण दोनों भाई, जितना प्रेम था उन दोनों में, वे सब कुछ भूल गए। उनमें से प्रत्येक स्वयं ही उस नारी को अपना बनाने की चेष्टा करने लगा। एक तो उधर मदिरा का नशा था, दूसरे उस पर कामदेव भी सवार हो गए थे, जिससे उन दोनों को अंधा कर दिया था। वे अपने हित अहित की बात को भी भूल गए थे। शुंद ने क्रोध पूर्वक उपसुंद से कहा, यह मेरी स्त्री है, तुम्हारे लिए यह माता के समान है, इसका हाथ छोड़ दो। उपसुंद ने भी गर्जना की, यह मेरी स्त्री है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे लिए यह पुत्र वधु के समान है, झटपट इससे दूर हो जाओ। दोनों क्रोधित हो उठे। काम में मोहित होकर उन्होंने भयानक गदाएं उठा ली और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे के आघात से उन दोनों का वही बध हो गया और उनका अंत हो गया। तिलोत्तमा का कार्य पूरा हो गया। वह स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा बन गई। इंद्र देवताओं के साथ फिर से स्वर्ग के आधीश्वर हो गए। इस प्रकार इंद्र को उनका छीना हुआ राज्य उन्हें वापस मिल गया और उन दोनों दैत्यों का संहार हो गया, क्योंकि वे दोनों काम शक्ति से मोहित होकर अपना ही अहित कर बैठे। दोस्तों, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाते हैं। इनके पीछे जो भी पड़ता है उसका विनाश एक न एक दिन अवश्य ही हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।